My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. Today, I want to teach you the first remaining portion of the first chapter number system. मतलब आज हम आप लोगों को जो पिछले टर्न पर जो नंबर सिस्टम पढ़ाए थे उसका बचा हुआ पहला हिस्सा बताने जा रहे हैं. According to this, according to this teaching point, I will tell you the various steps of solution of questions in various exercises of the chapter. And after that, I will also explain the each step of solution in systematic way. You should read, write, and hear carefully with the help of your smartphone. मतलब यह है कि आज हम उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज में जो सवाल दिए गए हैं उसे बताएंगे और जो सोल्यूशन बताया जाएगा उसके हर स्टेप को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें और ध्यान से समझें क्यों, और उसके बाद हम भी आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से उसे हर स्टेप को बताएंगे और यह चीज आप लोगों को अपने स्मार्टफोन से देखने को. जैसा कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 दिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी इक्वल टू नॉट क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, दिस इज द क्वेश्चन. अब इसी सवाल को हम सॉल्व करने का तरीका ऑनलाइन बता रहे हैं जिसे आप देखें, पढ़ें, लिखें और समझें. Solution. As zero is a rational number because he can write zero in the following form. First, zero equal to 0 upon 1 is equal to p upon q, where two is not zero. Second form, zero equal to 0 upon -1 equal to p upon q, where q is not equal to zero. Third form, 0 equal to 0.2 is equal to p upon q, where q is not equal to 0. And fourth part, 0 upon -2 is equal to p upon q, where q is not equal to 0. मतलब यह है कि जो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं. तो जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि हम जीरो को 0.1 लिख सकते हैं, 0.-1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.-2 लिख सकते हैं. इन सब में जो ये फ्रैक्शन है ऊपर वाला p और नीचे वाला q, और नीचे वाला q जो है सब में जीरो नहीं है. तो यह जो सॉल्यूशन है ओरिजिनल नंबर के डिफिनेशन को फॉलो करता है, इसलिए हम जीरो को कह सकते हैं कि जीरो इज रेशनल नंबर. नाउ आई विल टेल यू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आई लाइक दिस, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. मतलब इस सवाल का यह मतलब है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स खोजनी है.
और उसे खोजने का तरीका क्या है वह हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन सॉल्यूशन। बिकॉज थ्री इक्वल टू थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स प्लस वन अपॉन वन इंटू सिक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू सेवन अपॉन वन इंटू सेवन इक्वल ट्वेंटी वन अपॉन सेवन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप फोर इक्वल टू फोर अपॉन वन इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स प्लस वन अपॉन वन इंटू अंडर ब्रैकेट सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर इंटू सेवन अपॉन वन इंटू सेवन इक्वल ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। बिकॉज ट्वेंटी वन इज स्मॉलर देन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू इज स्मॉलर देन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री इज स्मॉलर देन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इज स्मॉलर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इज स्मॉलर ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स इज स्मॉलर देन ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन इज स्मॉलर देन ट्वेंटी एट। देयरफोर सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अपॉन सेवन इज इक्वल टू थ्री एंड ट्वेंटी एट अपॉन सेवन इक्वल टू फोर आर इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन, ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन, ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन, ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवन, ट्वेंटी सेवन अपॉन सेवन। दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह तो ऑनलाइन सोल्यूशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किया गया है कि जो भी नंबर दी गई है, जो भी मतलब नेचुरल नंबर दी गई है, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, और इसके न्यूमरेटर में सिक्स प्लस वन ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सिक्स प्लस वन ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है और ऐसा कर देने से वो फ्रैक्शन सेम बना रहता है। और वही थ्री ये अपॉन वन है और वही थ्री अपॉन वन जो है ट्वेंटी वन अपॉन सेवन के रूप में हो गया। मतलब थ्री जो है बड़े रूप में रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गई, जैसे कि ट्वेंटी वन अपॉन सेवन। उसकी तरह जो फोर नेचुरल नंबर दी गई उसको हम फोर अपॉन वन करके रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे और न्यूमरेटर में भी सिक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सिक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमको मिल जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। अब हमको ट्वेंटी वन अपॉन सेवन और ट्वेंटी एट अपॉन सेवन के बीच में जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है खोजने में आसानी हो तो वह है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन, ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन, ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन, ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवन एंड ट्वेंटी सेवन। मतलब तरीका यह हो गया कि जो रेशनल जो नंबर दी गई है उसके सबसे पहले हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें और न्यूमरेटर में भी जितनी नंबर हमको ले आनी है उसमें वन प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी जितनी नंबर ले आनी है उसमें वन प्लस के मल्टीप्लाई कर दें, तो जो दोनों नंबर है रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगी और उनका जो दायरा बढ़ जाएगा और मतलब ट्रेस आउट हो जाएंगी और उस दायरे के अंदर हमको अधिक से अधिक रेशनल नंबर खोजने में आसानी होगी। जैसे कि रूई को हम घूमते हैं तो जितना ही उसको हम आगे बढ़ाते हैं उसका दायरा बढ़ जाता है, वही चीज़ है रेशनल नंबर खोजने का तरीका। ये आप लोगों को हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा और इसको आराम से लिखेंगे, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट आई विल टेल यू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। पहला जो सवाल था इसके पहले वाला जो दूसरा सवाल था उसमें जो नंबर दी गई थी वह नेचुरल फॉर्मेट, लेकिन यह जो सवाल है इसमें जो नंबर दी गई है वह रेशनल फॉर्म में ही है तो इसको रेशनल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमको जितनी नंबर पता करनी है उसमें वन ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा, वह हो जाएगा 18 अपॉन 3। उसी तरह से सेकेंड नंबर में भी सेकेंड नंबर के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी नंबर हमको रिक्वायर है उतना वन प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में उतना वन प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रेशनल नंबर का आकार बढ़ जाएगा, मतलब उसको एक्सपेंड हो जाएगा।
और जब कोई चीज स्पेंड हो जाती है उसके बीच के नंबरों को खोजना आसान हो जाता है। तो मतलब अब जब एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों रेशनल नंबर आ जाएंगी तो हम वह 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 तक वो पहुंच जाएगी। और इस तरह से जो 3/5 का जो बड़ा रूप है 18/30 है और 4/5 का जो बड़ा रूप है 24/30 है, उनके बीच जो रेशनल नंबर हो गई 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है वह जो है इससे अलग है। तो कहने का मतलब है, लेकिन यह जो आंसर है दोनों आंसर एक ही है, क्योंकि जो दोनों की जो वैल्यू आ रही है 0.6 आ रही है। 19/30 की जो वैल्यू आ रही है वो भी 0.6 है और जो बुक में वैल्यू थी वो भी 0.6 है। तो दोनों की वैल्यू सेम है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हजारों लाखों अनंत जो है रेशनल नंबर्स हो सकती है। तो जो बुक में आंसर दिया गया वह भी और यह भी दोनों आंसर सही है, क्योंकि जो दोनों की सिंपलेस्ट वैल्यू है 0.6 है और यह अकॉर्डिंग टू रूल है। रूल क्या है, रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में और रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो भी जितनी संख्याएं हैं उनमें 1+ करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और ऐसा करने से रेशनल नंबर का जो आकार बढ़ जाता है और खोजना आसान हो जाता है। और इसको आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे तो आसानी समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर ऑन नेक्स्ट टर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड राइट रिटेन मैटर्स इन रेड कलर विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन इन योर नोटबुक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्पेलिंग्स। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाई योर स्कूल एप। योर सोल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल एप। यू शुड ऑल्सो solve these questions in your homework notebook for revision purpose। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को चाहिए कि आप अपने स्मार्टफोन की सहायता से जो रेड कलर में चीजें लिखी गई हैं उन्हें अपने आप नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपको रिवीजन के लिए जरूरत हो जाए। और दूसरी बात, जब आप लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग तेज होगी और इन सारे प्रश्नों का जवाब आप ऑनलाइन स्कूल ऐप पर दें तो उसको जो है चेक कर दिया जाएगा और ऑनलाइन उसका जो है जवाब भेज दिया जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बी सेफ एंड स्टे होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।